बच्चों आज हम क्लास यूकेजी में हिंदी में अक्षर लिखेंगे। आप सभी ने अपनी हिंदी की कॉपी और पेंसिल निकाल ली होगी। चलिए सभी बच्चे इधर देखो। सबसे पहले बच्चों आप अपनी अपनी कॉपी में ये जो आपके लाल लाइन है ना कॉपी में उसके ऊपर यहाँ पर क्रॉसवर्ड डालिए मेरे साथ में। इस तरह से पहले क्या लिखो बिंदी लगा दो उसी के आगे वापस डब्ल्यू लिखो और फिर बिंदी लगाओ। ये क्या लिखा आपने क्लासवर्क लिखो। आप देखिए जो ये आपके लाल लाइन है ना इस लाल लाइन में हम नहीं लिखेंगे उसके नीचे वाली लाइन से हम लिखना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे सब बच्चे लाइन खींचिए बिजली और लिखिए मेरे साथ बोल करके तय। क्या लिखेंगे तय। इस तरह से पूरा नीचे वाली लाइन पे बढ़ाओ लाइन को और ऐसे बनाओ। क्या लिखा है आपने तय। पढ़िए इसको लिखने के बाद तय। अब आगे लिखिए या थोड़ी सी जगह छोड़ करके लिखिए थे। पहले ऐसे यज्ञ बनाएंगे इस तरह से है ना इस तरह से बनाओ। और अब यहां पर गोला बना दो ये बन गया थे। क्या पढ़ेंगे इसको हम थे। थोड़ी सी जगह छोड़ो यहाँ पे वापस इतनी सी और लाइन खींचिए आगे लिखिए यहाँ पे दे। इस तरह से पहले टे बनाएंगे और इसी में गांठ लगा देंगे ऐसे नीचे वाली लाइन पे लगाएंगे इसको। ये क्या बन गया दे। बोलिए सभी दे। अब थोड़ी जगह छोड़ो और आगे लिखिए दे। जैसे गोला बनाओ फिर वापस एक गोला और बनाएंगे और इसको ऊपर तक ले जाएंगे और फिर यहां से सीधी लाइन खींचेंगे ऐसे है ना। ये घे बन गया और इसमें हम गोला बनाएंगे यहाँ पे ये क्या बन जाएगा धे। लिखिए बोल के धे। अब आगे फिर से लाइन खींचो थोड़ी सी जगह छोड़ के और लिखिए आगे ने। इस तरह से सभी बच्चे लिखिए ने। लिख लिया। हम इस लाइन को पढ़ेंगे हम सब बच्चे तय के नीचे उंगली रखो। बोलिए मेरे पीछे पीछे तय थे दे धे ने। ठीक है। अब ये वाली लाइन हम छोड़ेंगे उसके अगली लाइन में फिर से लाइन खींचिए। इस तरह से लाइन खींचो या लिखिए पे। कैसे लिखेंगे पे। पहले सीधी लाइन खींचो नीचे वाली लाइन तक और इस तरह से बनाओ। ये हो गया पे। लिखो बोल करके सभी बच्चे बोल बोल के लिखेंगे बड़ा बड़ा लिखेंगे नीचे वाली लाइन के अड़ा कर है ना। लिखिए पे। आगे लाइन खींचिए यहाँ पे यहाँ लिखिए सभी बच्चे फे। पहले ऐसे पे बनाएंगे फिर इसको आगे ले जाके ऐसे नीचे तक नीचे डालेंगे घुमा कर फे। क्या पढ़ेंगे इसको फे। अब यहाँ वापस थोड़ी सी जगह छोड़ो उसी के आगे लिखेंगे बे। यहाँ पर लाइन खींचिए सभी बच्चे बे लिखो। पहले सीधी लाइन खींचो और यहाँ पर इस तरह से गोला बना दो इसको यू काट दो। क्या लिखा है हमने बे। क्या पढ़ेंगे इसको बे। अब फिर से यहाँ पे थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे हम और आगे लाइन खींचिए या लिखो भे। कैसे लिखेंगे भे। देखो पहले इस तरह से गैप बनाता है ना वैसे लाइन खींचेंगे ये गोला बनाएंगे। पेंसिल उठाने नहीं है इसको आगे ले जाएंगे और फिर अब पेंसिल को उठा के ऊपर से यू सीधी लाइन खींचेंगे नीचे तक और यहाँ पर ऐसे गोला बनाएंगे। क्या है ये भय। ऐसे भालू होता है ना तो हमसे भालू नहीं बोलेंगे भय बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे भय। इसी के आगे देखिए क्या लिखेंगे मैं। लिखो इसी तरह से वापस ऐसे सब बच्चे लिखिए यहाँ पे मैं।
लिख लिया। अब इस लाइन को हम पढ़ेंगे, बोलिए पे फे बे भे मैं। अब वापस ये वाली लाइन हम छोड़ देंगे, उसके अगली लाइन में लिखेंगे, लाइन खींचो, लिखिए यहाँ पे ये, इस तरह से लिखो सभी बच्चे ये, और जिन्होंने लिख लिया वो उंगली रख के पढ़ो इस तरह से ये। ये जगह छोड़ो थोड़ी सी, आगे लिखिए रे, इस तरह से ऐसे सब बच्चे लिखिए रे। लिख लिया सभी ने, आगे लिखो, लाइन खींचो, मैंने थोड़ी सी जगह छोड़ के लाइन खींचिए और लिखिए ले। कैसे लिखेंगे ले, पहले सीधी लाइन खींचो, खींची सभी ने। अब यहाँ पर देखो इस तरह से, फिर ऐसे, क्या है ये ले, पढ़िए इसको ले। अब थोड़ी जगह छोड़ो और आगे लाइन खींचिए, फिर से लिखो यहाँ पे वे, ये बन गया वे। फिर से थोड़ी जगह छोड़ो और आगे लिखिए शे, इस तरह से लिखो सभी, पहले इसे रे बनाओ, गोला बनाओ और शे। फिर से पढ़ेंगे हम ये वाली लाइन, ये के नीचे उंगली रखिए, बोलो ये रे ले वे शे। अब ये वाली लाइन छोड़ेंगे हम, उसके अगली लाइन में फिर से लाइन खींचिए, खींच ली, यहां पर लिखिए सभी शे, इस तरह से ये शे, षटकोण वाला शे, लिखिए शे। लिख लिया सभी ने, क्या ये शे। थोड़ी जगह छोड़ेंगे और आगे लिखेंगे, यहाँ पर थोड़ी सी जगह छोड़नी है, रह के नीचे नहीं लिखना है, थोड़ी सी जगह छोड़ी, थोड़ा इस तरफ लिखिए शे। लिखने के बाद लाइन खींचो, यहाँ पर लिखिए से, इस तरह से लिखिए सभी से। क्या लिखा हमने, ये से। अब थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे, आगे लाइन खींच कर लिखिए यहाँ पर है, छोटी सी लाइन खींचेंगे, मैंने खींचो, अब ये गोला बना के इसकी सूत्र निकालो और यहां से गोला बनाओ, इसको ऐसे आगे तक ले जाओ। क्या लिखा ये हमने, बोलो है, क्या लिखा है। फिर से थोड़ी सी जगह छोड़ो और लाइन खींचिए, या लिखिए क्ष, सीधी लाइन खींचो, अब इस तरह से लाइन खींचो, ऐसे करके ड बनाते हैं, अभी ये बन गया क्षय। ये क्षय से क्षत्रिय है, इसको क्या बोलेंगे, क्षय नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्षय, क्या बोलेंगे क्षय। अब थोड़ी सी जगह छोड़िए और आगे लिखिए त्रय, कैसे लिखेंगे, थोड़ा सीधी लाइन खींचो पहले। अब यहां से देखो ऐसे और इसको फिर से नीचे ऐसे, ये बन गया त्रय। त्रय से त्रिशूल होता है ना, तो इसको से त्रिशूल नहीं पढ़ेंगे, से त्रय बोलेंगे, क्या पढ़ेंगे त्रय। अब जगह छोड़िए थोड़ी सी और आगे लिखिए ये, लाइन खींचो, सीधी लाइन खींचेंगे, पहले ऐसे जय बनाएंगे, जय बन गया और इसी में हम गांठ लगा देंगे ये ऐसे, ये बन गया जय, क्या बन गया ज्ञ, ज्ञ से ज्ञानी, पढ़ते ना तो से ज्ञानी हम नहीं बोलेंगे, ज्ञ बोलेंगे से। अब वापस देखिए ये शय लिखा, उसी के नीचे ये वाली लाइन छोड़ेंगे, उसके अगली लाइन में लिखेंगे, लाइन खींचिए और फिर से लिखिए यहाँ पे शय, इस तरह सभी बच्चे लिखो शय, पढ़िए इसको, क्या लिखा हमने, उंगली रख के पढ़ो शय। अब ये से लिखा, उसी के नीचे फिर से लाइन खींच के लिखिए वापस से,
लिखो इस तरह से से, इसको क्या बोलेंगे से, और इसको क्या बोलेंगे शे। आगे लिखिए है, इस तरह से लिखिए है। जैसे सूंड निकालेंगे इसकी और फिर घुमाएंगे, क्या लिखा है हमने है। आगे लिखिए, यहाँ पे लिखो क्षय, सीधी लाइन कीजिए, पहले आप इसको ऐसे लाइन कीजिए और यहाँ पे जैसे जगह बना देंगे या क्षय, क्या बन गया ये क्षय, लिख लिया। आगे लाइन खींच के लिखिए त्रय, इस तरह से लिखो सभी त्रय, लिख लिया सभी ने। आगे लिखिए ज्ञ, क्या बोलेंगे ज्ञ, लाइन खींचो सीधी, छोटी सी लाइन यूं खींचो, इसको यूं घुमाओ, जय बनाते ना इस तरह से, और इसमें ऐसे गांठ लगा दो, ये बन गया ज्ञ, लिख लिया सभी ने। सब बच्चे अपने पेंसिल साइड में रखो, शुरू से हम पढ़ेंगे, सब बच्चे मेरे पीछे पीछे बोलेंगे, तय के नीचे उंगली रखिए, फर्स्ट लाइन में बोलो तय, थे, दे, थे, ने, पे, फे, वे, भे, मैं, ये, रे, ले, वे, शे, वापस नहीं लेने, शे, से, है, क्ष, त्र, ज्ञ। फिर से लास्ट लाइन में उंगली रखिए सब बच्चे, श, ये श षटकोण वाला ना, बोलो श, से, है, क्ष, त्र और ज्ञ। और जो नीचे आपके आते हैं पेपर खाली है, वहां पर आपको होमवर्क करना है, होमवर्क में क्या लिखोगे, ये वाली लाइन लिखनी है आपको, श वाली, श षटकोण है ना, इस तरह से पहले सारे पूरी लाइन में श श श बनाना फाइव बार, फिर से है, क्ष, त्र और ज्ञ, ये वाली लाइन आपको होमवर्क में लिखनी है, लिखने के बाद उसको वापस उंगली रख के पढ़ना है, ठीक है ना।